हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट्स जो हैं इनको कहां से खरीदें इस संबंध में जानेंगे। तो यहां पे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि आपको कहां से लेना है, आप खुद से ये सारी चीजें जान जाएंगे। इस वीडियो में बस आपको करना क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो लैब चैनल जो है ये सपोर्टिंग चैनल है, एक दूसरे की मदद करने के लिए मैंने बनाया है। तो जिस तरीके से मैं वीडियोज बना के आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, और बदले में आप लोग भी कमेंट के माध्यम से, अगर मैं कोई चीज मुझको नहीं समझ में आती है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे की अगर थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये काफी सारा पार्ट्स जो है एलईडी बल्ब या पैनल लाइट या फ्लड लाइट की रिपेयरिंग से संबंधित रखा हुआ है, और इसको कहां से परचेस किया है और कैसे आप लोग इसको परचेस करेंगे, इस वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं और एक दूसरे को जो सहयोग है अपना वो दे पाएंगे। यहां पे सबसे पहले बात करता हूं मैं, कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। ये सारी चीजें पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको पता चलेगा कि इन चीजों को हमें अपने नजदीक के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से कैसे परचेस करना है, कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट वहां पे किसके यहाँ इस तरह के पार्ट्स मिलेंगे। तो अगर इस तरह के पार्ट्स अगर हम वैसे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो काफी महंगा पड़ता है हमको, और इसको ऑनलाइन परचेस ना करके अगर हम अपने नजदीक के लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट्स के मार्केट से परचेस करते हैं तो काफी सस्ता पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं ये जो डॉब ड्राइवर सर्किट्स हैं यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये 9 वाट के डॉब हैं। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं ये कुछ रखे हुए हैं यहां पे, ये आप देख पाएंगे ये जो डॉब ड्राइवर सर्किट है ये 15 वाट का है, यहां पे ये जो डॉब ड्राइवर सर्किट है ये आप देख पाएंगे ये 12 वाट का है, यहां पे आप देख पाएंगे और ये भी 15 वाट का डॉब है। इसके बाद यहां पे आप देख पाएंगे ये जो डॉब है ये हमारा 18 वाट का डॉब है। ये सारे जो डॉब ड्राइवर सर्किट हैं जो हमारे एलईडी बल्ब में हम लोग यूज करते हैं ये सारे मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किए हैं। यहां पे और भी दिखा देता हूं मैं, यहां पे आप देख पाएंगे ये कलर डॉब सर्किट्स हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं ये 9 वाट के हमारे जो वार्म व्हाइट कलर है, ये सारे जो पहले मैंने दिखाए थे ये कोल्ड व्हाइट है, यहां पे वार्म व्हाइट डॉब सर्किट हो गया। यहां पे आप देख पाएंगे कि ये ब्लू जो डॉब ड्राइवर सर्किट है ये ब्लू है 9 वाट। यहां पे आप देख पाएंगे ये जो डॉब ड्राइवर सर्किट है ये रेड है 9 वाट। ये जो डॉब ड्राइवर सर्किट है ये ग्रीन है 9 वाट का। तो जो ये कलर डॉब है ये 9 वाट की डॉब लगभग 13 रुपए पर पीस या 12 रुपए पर पीस मिलता है। इसके बाद मैं इसको दिखा देता हूं कि ये जो डॉब ड्राइवर सर्किट है ये जैसे 9 वाट का डॉब ड्राइवर सर्किट है ये 7 से 8 रुपए में मिल जाता है। 12 वाट का जो डॉब है लगभग 10 रुपए में मिल जाता है। 15 वाट का डॉब है 12 रुपए में मिल जाता है। 18 वाट का जो डॉब ड्राइवर सर्किट है ये लगभग 15 रुपए में मिल जाता है हमको। तो इस तरीके से ये डॉब ड्राइवर सर्किट हो गए। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं ये हमारे जो फ्लड लाइट यानी पैनल लाइट्स हैं उसमें लगाने वाले ये डॉब सर्किट हैं, ये भी डॉब सर्किट हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं ये 100 वाट के डॉब सर्किट हैं। और यहां पे मैं दिखा देता हूं कि ये जो डॉब सर्किट्स हैं ये हमारे 200 वाट के डॉब सर्किट है। जो 100 वाट का है ये लगभग 75 रुपीज में पड़ता है, और जो ये 200 वाट का है ये लगभग 130 रुपीज में पड़ता है। यहां पे जो MCPCB है हमारे पास जो 9 वाट के एलईडी बल्ब में यूज होती है ड्राइवर वाले एलईडी बल्ब में, ये इस तरह की MCPCB है और ये लगभग 8 रुपीज में ये एक MCPCB मुझे पड़ी थी। इसी तरीके से यहां पे आप ड्राइवर्स देख पाएंगे लगभग 16 रुपए के करीब एक ड्राइवर हमको पड़ता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास MOBs हैं जो कि अगर आप थोक में लेते हैं यानी 500 या 1000 पीस तो ये आपको लगभग 80 पैसे में मिल जाता है। वैसे 1 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं अगर 10 20 50 पीस लेने हैं, और अगर ज्यादा तादाद में लेते हैं तो ये लगभग आपको 80 पैसे या 70 पैसे पर पीस मिल जाता है। यहां पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास हीट सिंक कंपाउंड है जो कि 250 ग्राम का ये पैक
है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें 250 ग्राम हीट सिंक कंपाउंड है और ये लगभग 160 रुपए का मुझे पड़ा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है ये हमको लोकल मार्केट से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे मिलेंगी, हमको कैसे पता चलेगा कि किस मार्केट में ये हमको मिलेंगी। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, हम लोगों को जिनको पता है कि हमें ये चीज इस जगह पे मिल जाती है, इस मार्केट में मिल जाती है, नजदीक के जो भी मार्केट है, तो बस आपको यही करना है कि आपको नीचे कमेंट में, जैसे मुझको नहीं पता है तो मैंने यहां पे कमेंट में लिखा कि मेरा एरिया जो है वो कानपुर है या लखनऊ है, जो भी मैंने लिखा, मैंने लिखा कि मेरा जो नजदीक का शहर है वो कानपुर है। तो किसी व्यक्ति को, जैसे जो ये वीडियो देख रहा है उसने देखा और मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता है कि ये कहां मिल रही है, तो जिस व्यक्ति ने ये देखा कि ये कमेंट आया है, इसमें पड़ा हुआ है कि कानपुर शहर के नजदीक का हूं, मुझे ये नहीं मिल रही है, तो वो कमेंट में ही उसको रिप्लाई कर दे कि भाई ऐसा है कि ये चीज जो है ये हमारे नजदीक के इलेक्ट्रॉनिक्स फलाफला इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इस शॉप पे, इस दुकान पे मिल जाएगी। बस आपको अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में नहीं शेयर करना है, अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको वहां पे कमेंट में कोई भी लिंक या कोई भी नंबर नहीं शेयर करना है। जैसे कानपुर की बात कर लेते हैं, अभी एक कमेंट आया था कि मुझको ये पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जब मैंने मूवी पे वीडियो बनाया था, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाया था, तो कानपुर के एक सज्जन थे जिन्होंने कमेंट में लिखा कि मुझको ये पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, क्या आप मुझे सेंड कर देंगे, 1000 पीस मुझको चाहिए, मेरे एड्रेस पे आप भेज दीजिए। तो मैंने उनको कमेंट में ही रिप्लाई किया था कि आप ऐसा करिए कि कानपुर में सागर मार्केट और नेहरू नगर दो जगह हैं जहां पे आपको ये पार्ट्स मिल जाएंगे। सागर मार्केट में थोड़ा सा महंगा मिलेगा, सागर मार्केट्स में ज्योति इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स करके नाम से एक दुकान है, वहां पे आपको ये पार्ट्स मिल जाएंगे, लगभग एमओवी 2 रुपए का एक मिलेगा आपको वहां पे। लेकिन अगर आप नेहरू नगर से लेते हैं तो नेहरू नगर में आपको पद्मा इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक दुकान है, वहां पे आपको ये पार्ट्स जो है एमओवी आपको 1 रुपए और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आपको 50 पैसे में मिल जाएगी। तो उन्होंने वहां से परचेस किया हो या ना किया हो, उनको मिला हो या ना मिला हो, लेकिन उन्होंने कमेंट में भी रिप्लाई नहीं किया कि मुझको ये मिल गया है। हालांकि मैंने उनको फोन भी किया था, उन्होंने अपना नंबर छोड़ा था, तो मैंने फोन किया था, फोन करके बताया था, फिर भी उन्होंने कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी देना है। और आपको ये क्या करना है, जैसे हम लोग 4 लोग हैं आपस में, जैसे मैं एलईडी बल्ब का रिपेयरिंग का काम करता हूं और 4 लोग मेरे दोस्त हैं वो लोग भी करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो उनको शेयर कर देंगे, वो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से वीडियो जो है ये कई जगह पे, अलग अलग जगह पे पहुंचेगा, और जिस व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है, उसको नहीं मिल रहा है, तो वो वहीं कमेंट में रिप्लाई करके बता देगा कि ये इस मार्केट में, इस दुकान पे हमको ये पार्ट मिल जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी एक दूसरे के लिए मदद भी हो जाएगी और सभी को ये पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या है कि जब पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो लोग बाग इसका फायदा उठाते हैं, वो लोग काफी महंगा प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन या फोन से डील करके वो लोग अगर देते हैं तो हमको कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है। अब क्या है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में गए या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गए, वहां से हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो हम वहां पे देख पाएंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं वो कैसा है। ऑनलाइन में तो हमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी है, कुछ देखने से फिर भी हमको कुछ समझ में आएगा, और अगर देखने को ही नहीं मिल रहा है कोई चीज, तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो जो प्रोडक्ट है उसके जो प्राइस है, जो पैसे हम दे रहे हैं उसके बदले में क्या हमें उतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आपको पता हो नीचे कमेंट में किसी को कोई चीज नहीं मिल रही है, एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग उनका कमेंट का रिप्लाई देके उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा वीडियो शेयर होगा उसी से हमको ये जानकारी हो पाएगी कि हमें ये पार्ट्स जो हैं कहां पे मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से हम लोगों को जो ये एलईडी बल्ब के पार्ट्स हैं जो नहीं मिल रहे हैं, इन पार्ट्स को मिलने में ये वीडियो काफी सहायक रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो
थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा है और इससे आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर चेक करिए, और अगर किसी को मदद की जरूरत है, किसी को कोई पार्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको सही एड्रेस पे उसको भेजिए, सही इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, और वहां पे जो भी अच्छी दुकान हो जहां पे पार्ट्स सस्ते मिलते हो वहां पे आप भेज सकते हैं। मैंने पार्ट्स के लगभग लगभग प्राइस बता दिए हैं, कम से कम जो प्राइस होते हैं जितने में मुझे मिले हैं ये पार्ट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।